अक्षरा सिंह बहुत अच्छी डांसर है, यानी डांसर अंग्रेजी में बोल देनी नचनिया है, वो डांस बड़ी अच्छा करती है। माइक फेंकना उसमें गलती नहीं है, अक्षरा सिंह का हम गलती नहीं मानते हैं भाई, नचनिया का जानती है माइक के वैल्यू का होला, गायक जानता कबो देख लगो तो नाचते मिली तो नचनिया है, नाचेली खूब निमन नाचेली, एक खातिर प्रशंसा कैल जाए। केहू के बुरा लगता कि हमरा के नचनिए केहू काहे कहता, कल से प्रोग्राम कैल बंद कर दो, चीफ गेस्ट बन के जा जाएंगे हमारे सब हीरोइन जाली सन, केहू तरह के नचनिया ना कही। अक्षरा सिंह यानी कि आपके नज़र में डांसर नचनिया है? मेरे नज़र में का जो नाचती है वो नचनिया है जी। जो नाचती है वो नचनिया है, बात खत्म। तो कलाकार पे नोटों की बारिश करना सही है या गलत? एकदम सही है, नोटों का बारिश प्यार हो। और अक्षरा सिंह कौन नया पर नोट बा, पहले बहुत सारा वीडियो उठा के देगा जब पवन सिंह के संग चल रहे नोट उनका पर बरसावल जाता है, वही नाचत तरी कूद कूद के। इतना हमारा इंडस्ट्री में हीरोइन बा लो, लेकिन कब सुन ले बनी कि कोनो हीरोइन से कोनो आदमी के पंगा भैलो के इनकरे से पंगा, ये हमनी के भोजपुरी के राखी सावंत है। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं एच न्यूज़। दोस्तों अभी हमारे साथ हैं भोजपुरी के मशहूर कॉमेडियन BIB विजेंद्र सिंह जी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं? नमस्कार प्रणाम, एकदम बढ़िया बनी रोगा बताएं। आपका और आनंद मोहन बाबा जी का जोड़ी एक बार फिर से यूट्यूब और फेसबुक पर धमाल मचा रहा है, चाहे फूफा खिसियाल वाले हैं चाहे फिर झमकौला से हुई, दोनों वीडियो को हाँ टाइटल में तो वही है झमकौला से हुई, दोनों वीडियो को खूब प्यार मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए हमेशा मिलेला सब पब्लिक के प्यार बा, हमनी के जो कोनो खास मिलेला ना तनी मनी चलेला तो जे बा जन पारिवारिक लोग बस तो वह लोग देखेला तनी मनी चलता नहीं है, पूरा धमाल मचाता है ना, ऐसा बात नहीं के बहुत सारा यूट्यूबर लड़का बड़ा सन हाँ हमनी के चलत आवे कंटिन्यू चलत है, ये बहुत बड़ बा कि आज ले कंटिन्यू चलते बा, कबो रुकल नहीं है तो ये एगो धन्यवाद बा कि ना कबो हाइप पर गई ला ना कबो डाउन पर गई, धीरे धीरे एक और सीढ़ी आगे बढ़ता आदमी आगे। और कौन कौन धमाल मचाने वाले हैं कॉमेडी वीडियो लगे? कॉमेडी वीडियो के साथ साथ अभी कॉमेडी फिल्म जैसे बोका बनल अधिकारी वहाँ बड़ फिल्म भी आ रहा बा, तो अभी तो एगो यशी फिल्म में आजे बात भैल, यशी फिल्म से एगो फिल्म आता है एज ए हीरो, बताइए अब वीडियो बनाओत बनाओत मोबाइल पर हीरो भी अब आदमी बने लगा, तो ये सब हो रहा बा। और अभी रोगा लोग इनके पब्लिक के अभी हमरा फ्यूचर में हम ना जिए नहीं, हम प्रजेंट में जिए नहीं कि आज हम का करते नहीं, तो आज अभी रोज हम काम करे नहीं, अभी फिल्म के प्रोजेक्ट चल रहा बा, अगला साल में मेन लीड में आई फिल्म कुछ। जिस फिल्म में आपने काम किया है जो लंदन में शूट हुआ है कब तक हमारे दर्शकों को देखने को मिलेगा? फिल्म तो करीब करीब जोना में काम करें वो रिलीज हो गई बा, लल्लू की लैला हम दिनेश जी अमरपाली जी ओके, चाहे दुल्हन चाहे पाकिस्तान से टू ओके चिंटू जी के साथ, चाहे एगो फिल्म हम कल्लू कैलन सन ओमें शुभ घड़ी आयो वो कैलन सन वो भी अच्छा बागे, तो अभी तो अभी खेसारी जी के संगे फिल्म आवता, देखी यसी फिल्म से बात अगर दिवाली में आवता कि आगे छठ ले आई, लेकिन एगो खेसारी जी के साथ आवता, एगो दिनेश भाई और परवेश लाल जी के चल संगे आवता दुल्हन घूंघट में घोटाला थेरी, और एगो हमनी के मेन लीड हम अभी कहनी ओ का नाम है ओकर नमो भुला जानी तो अभी आओ तो हम नहीं सुधरेंगे ये सब फिल्म आ रहा है। अच्छा आप कॉमेडी के माध्यम से तो लोगों का मनोरंजन करते ही हैं, वीडियो में आप जब कॉमेडी करते हैं तो लोग खूब हंसते हैं, लेकिन एक जगह अगर आप इंटरव्यू में अगर कुछ बोल देते हैं तो लोगों को मिर्ची लग जाता है और एकदम तीखा बोल देते हैं, ऐसा क्यों? भाई तीखा देखो हमने कहा तीखा बोलने वाला आदमी है, तीखा नहीं बोलते हैं हम, वही बात बोलते हैं जो जानते हैं, हम ऐसा कोई बात नहीं बोलते हैं जो हम नहीं जानते। इंडस्ट्री बड़ी प्यार से बड़ी मेहनत से बहुत लोग सींचले बा तब जाके इंडस्ट्री बनल बा, हमारा ये और लोग के बनवला से इंडस्ट्री नहीं के बनल। और इंडस्ट्री से करीब आज के डेट में 400-500 लोग के पेट चलता है, तो केहू आके इंडस्ट्री पर कुछ बोलेला तो थोड़ा बुरा लगेला, चाहे इंडस्ट्री के ही केहू कलाकार होके चाहे केहू होके कुछ गलत करेला तो ओकरा के थोड़ा सा बोले के पड़ेला कि क्यों गाँव घरों के लड़का जो होला सर ओकरो कबो कबो डांटे के पड़ेला रे धीरे तो निमन से कर ना तो फिर घर बिगड़ जाए नु, तो ये कोनो झगड़ा ना हो, ये पारिवारिक
का तो माटी के जब लहंगा थोलिया ना तब ले बनी ना तो थोड़ा कबो कबो करे के पड़ेगा। आपने एक इंटरव्यू में बयान दिया है जिससे पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में खलबली मची हुई है। अक्षरा सिंह आपके नज़र में क्या है, एक्ट्रेस हैं, डांसर हैं, सिंगर हैं, क्या हैं? देखिए अक्षरा सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री की बहुत बड़ी हीरोइन थी, हाँ, जब खेसारी जी और पवन सिंह के साथ थी जी। ठीक, इसमें कोई नो डाउट, कोई डाउट नहीं है। अक्षरा सिंह बहुत अच्छी डांसर है, यानी डांसर अंग्रेजी में बोल देनी नचनिया है, वो डांस बड़ी अच्छा करती है फिल्म में कई लोग के। आज के डेट में अक्षरा सिंह प्रोग्राम करती है, प्रोग्राम को ऑर्केस्ट्रा अपना यहाँ बोला जाला, नाच प्रोग्राम बोला जाला। अक्षरा सिंह जाली तो जे चाहे कहू कलाकार जाला तू नाचबे करेला, गायक जाला तो गावेला, आ ई सब लोग जाला तो नाचेला, कबो देख लग तो नाचते मिली तो नचनिया है, नाचेली खूब निमन नाचेली। एक खातिर प्रशंसा कैल जाए कि अक्षरा सिंह नाचेली बड़ी बेजोड़ आ इंजॉय करावेली। तो स्टेज अगर करी हैं, अगर उनका हीरोइन बन करके रहे के बाद तो रानी चटर्जी खानी, अम्रपाली दुबे खानी, काजल राघवानी खानी, हीरोइन बनो, फिल्म करो, बड़ा बड़ा प्रोग्राम जा, स्टेज पर भी जा, तो चीफ गेस्ट जा, बैठो, फीता काटो, दू शब्द बोलो, आ जा, सब हीरोइन जाली सर। लेकिन तू अगर ऑर्केस्ट्रा खानी जगह हमार सब गायक बुक खोले और उनमें जाके तारा गाना गावे के बाद नाचे के बाद तो तारा के ऑर्केस्ट्रा वाला ही कहल जाए, नचनिए कहल जाए, उनमें तार फैन जो हीरोइन ना कहे। लेकिन वो एक बहुत अच्छी सिंगर भी हैं, हैं बहुत अच्छी सिंगर भी हैं, वो सिंगर हो है। यूट्यूब पे अगर आप देखें तो 200-500 मिलियन गाने व्यूज हैं उनके। वो टाइटल का बा पवन सिंह, पवन सिंह पर गौले बड़ी तो व्यू का बा, पवन सिंह या खेसारी के अलावा कोनो टारगेट करके कुछ गाना गईले ओकर व्यू आइल तो हमसे बात करिएगा। लेकिन नाम के पहले उनके सिंगर अक्षरा सिंह रहता है ना गाने में। तू तो हमू दो चार वो गाना गौले बहन तो हम गायक हो गए नहीं, वो तो केहू गाना गा दिल तो गायक हो जाए। गायक के मतलब कल्पना जी, गायक के मतलब भोजपुरी में शारदा जी, गायक के मतलब इंदु सोनाली। गायक अगर कहिएगा तो शिल्पी है, शिवानी नई लड़की है, खुशी कक्कड़ है, प्रियंका सिंह है, ये सब नई लड़की है, इसको गायक बोलिएगा। ये लोग हीरोइन ना नचनिए हो, माइक ले ला दो शब्द, हम अब हमनियों के स्टेज पर जाकर चार शब्द गा देनी सर गायक ना हो जाए सर, केहू गायक ना हो जाला। गायक एगो अलग सेक्शन हो आ कलाकार एगो अलग सेक्शन हो आ एगो ऑर्केस्ट्रा नचनिए अलग हो। अगर केहू के बुरा लगता कि हमरा के नचनिए केहू काहे कहता, कल से प्रोग्राम कोई बंद कर दो, चीफ गेस्ट बन के जा जेंगे हमार सब हीरोइन जाली सन, केहू तरह के नचनिए ना कही। तब अक्षरा सिंह यानी कि आपके नज़र में डांसर नचनिया है? मेरे नज़र में का जो नाचती है वो नचनिया है जी। जो नाचती है वो नचनिया है, बात खत्म। नचनिया गलत चीज नहीं है भाई जी जी। डांसर को ही उसको अंग्रेजी में डांसर बोलिए, मॉडल इधर बोल दीजिए, उसको हीरोइन बोल दीजिए, अलग है। लेकिन नचनिया अपने यहाँ बोलल जाला, उससे पहले नचनिया से पहले कुछ और बोलल जाते रह, वो अब शब्द यूज नहीं कर सकत जी, यही इंडस्ट्री में बोलल जाते रह जी। तब तो नचनिया है या नचनिया ठीक चीज है, बहुत अच्छी नाचती हैं जी। एक सवाल रहेगा आपसे, कलाकार के ऊपर जब नोटों की बारिश होती है, कलाकार जब दर्शकों को खुश कर देते हैं, उनको नजराना दिया जाता है, जब झूम उठते हैं दर्शक, तो कलाकार पे नोटों की बारिश करना सही है या गलत? एकदम सही है, नोटों का बारिश प्यार हो। आप अपने बगली से 10 रुपया किसी को दे नहीं सकते हैं, भीख मांगा भीख मांगता है, आप 1 रुपया नहीं देते हैं, खूब तरस खाइएगा तो 2 रुपया दे दीजिएगा। लेकिन एक कलाकार जब झुमाता है ना तो लोग का बगली खाली हो जाता है, लोग आके लाखों रुपया इसे फेंकते हैं, वो प्यार है, वह पावे खातिर तो कलाकार मरता आ प्यार से फेंकता, उतारा के खराब नहीं के समझो कहे, तो वही आदमी जो फेंक रहा है वो अपने घर में 20 रुपया नहीं देगा, लेकिन आप पर फिदा है, आपके कला पर फिदा है, इसलिए वो पैसा दे रहा है। कहा जाला कलाकार के पैर में लक्ष्मी रहेली, कभी भी देखिए कलाकार पर पैसा उड़ता है और गिरता है स्टेज पर, और कलाकार के पैर में लक्ष्मी, यानी कला के पीछे सरस्वती के पैर में लक्ष्मी होती हैं, कलाकार सरस्वती होता है, और सरस्वती हमेशा महान है,
लक्ष्मी महान कभी नहीं रही है। लक्ष्मी आएगा तो घमंड आ जाएगा क्योंकि उल्लू उनका सवारी है, अंधकार में लेकर जाता है। लेकिन जब सरस्वती रहेगी तो उसका तारा हंस सवारी है, हमेशा साफ में लेके जाएगा। तो ये कलाकार सरस्वती पुत्र होता है और लक्ष्मी तो उसको ऐसे ही आती है, वो आना चाहिए। जब कल कोई आके पैसा नहीं देता है ना, अब बरसात नहीं करता है तो कलाकार को फ्लॉप समझा जाता है, बेकार समझा जाता है। आई होना चाहिए जिस तरह से अचरा सिंह जी का वैसा रिएक्शन रहा। आप पे नोटों की बारिश होती है तो आपका रिएक्शन कैसा होता है? हमको गर्व होता है कि हमारा कला किया हुआ ये हो गया, सवारत हो गया कि कोई आदमी आकर हम पर नोट बरसा रहा है। यहाँ तक कि कोई आके अगर प्रशंसा भी करता है कि आप बहुत अच्छा स्टेज पर किए, माइक दिया, तो हमारा लगता है कि हमारा जीवन सफल हो गया। और अक्षरा सिंह कौन नया पर नोट बा, पहले ओकर बहुत सारा वीडियो उठा के देगा जब पवन सिंह के संग चल रहे नोट उनका पर बरसावल जाता है, वही जी नाचत तरी कूद कूद के तो नचले बड़ी सन। ये सब देखिए, ये सब के अब भाव बा ना मार्केट में, ना फिल्म वाला पूछता है, ना एल्बम वाला पूछता है, केहू पूछत बा ना, तो कोनो ना कोनो एक के चले खातिर रहे के पड़ी मार्केट में। ऐसे ही कांड करत रहली, कभी भी इतना हमारा इंडस्ट्री में हीरोइन बा लो, लेकिन कब सुनले बनी कि कोनो हीरोई से कोनो आदमी के पंगा भइलो के इनकरे से पंगा। ये हमनी के भोजपुरी के राखी सामंत है, लेकिन भोजपुरी से आप जुड़े हुए हैं और भोजपुरी के कलाकार पे मान लीजिए सोशल मीडिया पे सभी जगह के लोग देखते हैं। अब मान लीजिए कोई भोजपुरी कलाकार के बारे में ऐसा कुछ गलत टिप्पणी करेगा तो फिर गलत टिप्पणी करेगा तो उसके हम विरोधी हैं। अगर मेरा कलाकार सही है और गलत कोई टिप्पणी करेगा तो उसका विरोधी है, उसको हम पुरजोर विरोध करेंगे। हम कलाकार के साथ हमेशा खड़े रहेंगे क्योंकि ये मेरा परिवार, एक मेरा जो जन्म दिया वो है, दूसरे का परिवार ये है। लेकिन अगर कलाकार मेरा गलत है, गलत किया है, तो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, उसको समझाएंगे। क्या आपने अक्षरा सिंह जी को समझाने का प्रयास किया? अक्षरा सिंह के का समझावल जाओ, माइक फेंकना, माइक फेंकना, देखो माइक फेंकना तो सरस्वती का अपमान है। कोई भी गायक रहा, देखिए वो माइक फेंकना उसमें गलती नहीं है, अक्षरा सिंह का हम गलती नहीं मानते हैं भाई। नचनिए का जानती है माइक के वैल्यू का होला, गायक जानता, छोटा से बड़ा तक गायक देखिएगा स्टेज पर आता है तो प्रणाम करता है वो, जब तक स्टेज से, अरे गायक तो मरता है कि कब स्टेज पर उसको माइक मिले। बहुत सारे हमारे गायक तो रात भर बैठ के चले जाते हैं और माइक नसीब नहीं होता है, रिक्वेस्ट करते हैं कि 2 सेकंड के लिए हमको माइक दे दो, एक गाना गा दो, और वो एक गाना गाता है और पब्लिक ताली बजाती है, अगले बार उसका भाग बदल जाता है और कहाँ से कहाँ जाता है। हमारे यही खेसारी भाई पवन भाई जा के बैठते थे कि वो माइक मिले, और आज माइक मिला तो कहाँ से कहाँ गए। तो इन नचनिया है, इसको क्या मालूम है कि माइक क्या चीज़ होता है। तो ये अगर फेंकी है तो हम उस आदमी को दोषी समझते हैं जो इसके हाथ में माइक दिया। ये नाचने के लिए बुलाया था, नाचती, पैसा देता, सब चल जाती, बात ख़त्म हो जाती। जी बिल्कुल सही जवाब दिया आपने बहुत सारे मुद्दों पर। अंततः हमारे दर्शक को क्या कहना चाहेंगे और भोजपुरी से जुड़े जो आप अच्छा सोचते नहीं जी? देखिए हम यह कहनी हमेशा जे अच्छा करता ओकरा के सपोर्ट करी, जब अच्छा करे लोग सपोर्ट करे तो अपने आप खराब निकल जाए। आलोचना कैले से केहू निकली ना, खराब के छोड़ दी, अच्छा के सपोर्ट करे लगी केहू, बीआईबी विजेंद्र सिंह अच्छा करस चाहे केहू और करे। अगर हम विरोध खराब करता नहीं हमार बंद कर दी, देखबे मत करी, कमेंटे मत करी, अच्छा के करता ओकरा के पूरा सपोर्ट करी, सब लोग अच्छा हो जाए। चलिए आपने इतना समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों अभी हमारे साथ हैं बीआईबी विजेंद्र सिंह जी, बहुत सारे मुद्दों पे चर्चा हुई, इनकी बातों से आप कितना सहमत हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।